जिला अस्पताल के टॉयलेट से बंदी हुआ फरार। आपको बता दे, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद संबल जिले के बंदी को 19 मार्च की सुबह मुरादाबाद के जिला अस्पताल में खून की उल्टी और दस्त होने की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। आज सुबह वो मेडिकल वार्ड की तीसरी मंजिल पर बने टॉयलेट के शीशे को तोड़कर फरार हो गया, जबकि उसकी अभिरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मी बाहर खड़े बंदी का इंतजार करते रहे। काफ़ी देर बाद जब टॉयलेट में गया बंदी बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मियों को शक हुआ। दरवाजा अंदर से बंद था। तोड़कर देखा तो आरोपी वहां से फरार हो चुका था। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल संबल जिले के जूनावाई इलाके के रहने वाले 46 वर्षीय अजीत को संबल की गनर थाना इलाके की पुलिस ने 5 मार्च को अवैध तमंचा बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद से लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती गई। 16 मार्च की रात आरोपी अजीत की ज्यादा हालत बिगड़ी, जिससे कि उसके मुंह से खून की उल्टी और लूज मोशन शुरू हो गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसकी हालत बिगड़ता देख मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां के टॉयलेट से बंदी फरार हो गया है। एक सुबह बंदी फरार हो गया, क्या पूरा प्रकरण है सर? आप बीआर निरीक्षण किया मौके पर? ये एक अजीत नाम का ये बंदी था, जो संभल जनपद का जूनावाई थाना है, वहाँ से 5 मार्च को जिला जेल में इसको दाखिल किया गया था, और वहाँ से एक आम सेट के मुकदमे में ये जेल में था। जेल में इसकी कुछ तबीयत खराब हुई थी, जिसको लेके एक बार और इससे पहले ये जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल पुनः इसको दिक्कत स्वास्थ्य संबंधी तो यहाँ पर इसको भर्ती कराया गया था, क्योंकि ये जेल की कस्टडी में था, तो जेल की तरफ से यहाँ पर दो उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो इनके साथ ड्यूटी में थे, जिनकी कस्टडी में, जेल की कस्टडी में ही यहाँ पर इसका इलाज चल रहा था। और आज सुबह ये यहाँ से शौचालय गया है, और शौचालय में जैसा भी हम लोग देखा है वहाँ पर इसके पीछे का शीशा तोड़ के साइड अंदर से वहाँ से निकल गया, फरार हो गया। इस संबंध में जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनकी ओर से एक तहरीर दी गई है, जिस पर सिविल लाइन थाने में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी तलाश करवाई जा रही है। सर, किस मुकदमे में ये जेल में बंद थे, वो कब पहुँचे? जैसा मैंने बताया, जूनावाई थाने से आम सेट के मुकदमे में ये 5 मार्च से जेल में बंद थे, जेल की ही कस्टडी में थे, और जेल की तरफ से ही जो सुरक्षा गार्ड थे वो यहाँ पर उनको लेके आए थे, और उनकी कस्टडी में इसका इलाज चल रहा था। धन्यवाद। जिला चिकित्सालय से एक बंदी फरार हुआ है बताया जा रहा है। उसका क्या नाम था, क्या हिस्ट्री है, और किस वजह से उसे भर्ती कराया गया था? ये एक अजीत नाम का कैदी, 45 वर्ष लगभग उम्र थी उसकी, जो जिला जेल से डॉक्टर द्वारा यहाँ पर रेफ़र किया गया था 19 मार्च को प्रातः 11:31 पर छाती में दर्द, खून की उल्टी तथा दौरे पड़ने की शिकायत से इमरजेंसी में एडमिट हुआ था। इसके बाद जो EMO हैं उनके द्वारा फिजिशियन को रेफ़र किया गया था। फिजिशियन ने देखकर इसको ट्रीटमेंट दिया, और एक दिन ये नीचे इमरजेंसी वार्ड में ही एडमिट रहा, और 20 तारीख को दोपहर लगभग 3 बजे ये ऊपर जो वार्ड बना है, नया वार्ड, उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया था, जब थोड़ा सा इसकी हालत में सुधार आया था। आज प्रातः 9:15 सिस्टर ने इंजेक्शन दवाई सब दी उसको, और इसको सुरक्षा में दो गार्ड भी लगे हुए थे, तो सब स्टाफ हमारा सब अस्पताल के कार्य में लगा हुआ था। जब उन्होंने शोर सुना कि शोर हो रहा है, तो वो लोग वहाँ पहुँचे बाहर, तो पता लगा कि ये एक कैदी जो टॉयलेट से फरार हो गया।